नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आकाश पांडे आप सभी दर्शकों का सुर संध्या इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारा ये कार्यक्रम सुर संध्या हर सप्ताह आपको नए नए गायक गायिकाओं और संगीतकारों से परिचय कराता रहता है और साथ ही इनके आवाज आप तक पहुंचाता रहता है। तो आइए हमारे आज के मेहमान बीके रमेश भाई जी से बात करते हैं। नमस्कार भाई जी। नमस्कार आकाश भाई। नमस्कार आप सभी को। कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में आके? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा अनुभव। और कुछ वक्त पहले आप यहाँ थे और अब आप वहाँ हैं, तो इस पे कैसा फील कर रहे हैं आप? वो गीता में कहा गया ना, कल किसी और का था, आज किसी और का है, कल किसी और का हो जाएगा। क्या बात है। अगर ये स्मृति हमारी बुद्धि में रहती है तो हमें आगे की ओर, मंजिल पाने की ओर, जो कहते हैं मानवता के सफलता की ओर हम बढ़ चलते हैं। तो वहां बैठना, यहाँ बैठना, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अपनी स्थिति की बात है ना। तो जिस समय जो आपको सेवा मिलती है वो कर लेना चाहिए। तो ये एक ईश्वरीय देन है, वो भी सेवा है, ये भी सेवा है, तो इसलिए हर जगह पर हमें आनंद आता है। जहां जहां ईश्वर का स्मरण हो वहां वहां आनंद ना आए, इसका सवाल नहीं उठता है। बिल्कुल। और जैसा कि हम हमारे दर्शकों को बता दें कि बीके रमेश भाई जी करीब 25 सालों से गायकी के इस फील्ड में हैं और आज हमारे समक्ष बहुत ही मधुर संगीत पेश करेंगे और अपनी आवाज़ आप तक पहुंचाएंगे। भाई जी 31 सालों से ज्ञान में हैं और 30 साल से मधुबन में सेवा दे रहे हैं जी। फिलहाल ये पीस म्यूजिक चैनल में सेवा देते हैं और इन्होंने अब तक लगभग 8,000 गाने लिखे हैं। साथ ही इनके 800 से ज्यादा गाने रिकॉर्डेड हैं, जिसमें से 250 से भी ज्यादा गाने इन्होंने अपनी आवाज में गाया है जी। क्यों भाई जी, कोई काउंटिंग कम तो नहीं हो गई? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो 250 में से कोई एक आपका जो सबसे पसंदीदा गाना हो वो हमारे दर्शकों को सुनाए, हमें भी अच्छा लगेगा। वैसे सबसे पहले मैं बता दूं कि गाना तो बहुत सारे हैं और बहुत पसंद मेरे जितने गाने हैं, मैं जो रचना करता हूं तो मुझे अच्छा लगता है हर गाना, लेकिन उसमें से भी कोई बहुत खूबियां वाला गाना है जो हमारे दर्शकों को भी पसंद आता है। एक बार मैं मेडिटेशन में बैठा था तो मुझे अनुभव हुआ कि परमात्मा का गहरा संबंध का, वो दोस्त, खुदा दोस्त का, तो उस समय ये गाना लिखा जिसको बॉलीवुड के मशहूर सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने इनको गाया है और म्यूजिक इनको दिया है सुधीर पाल जी ने। तो ये गाना जब बजता है, मैं कोई भी प्रोग्राम करता हूँ दुनिया में तो सबसे पहले इस गाने को गाता हूँ। तो आज दर्शकों को सबसे पहले मैं यही गाना सुनाना चाहूंगा। क्या बात है। तो अभिजीत भट्टाचार्य जी वाला गाना आप हमारे दर्शकों को सुनाएं और जिस तरीके से आपके गानों से हमने आज तक खाली ऑडियो में सुना था, आज समक्ष होके सुनेंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और जो खुदा दोस्त के अनुभव की बात कर रहे हैं, इसका अनुभव हम भी लेंगे। बीच में कहना चाहूंगा कि ये जो गाना है, बाबा मेरे साथ है, खुदा दोस्त मेरा साथ है, उसको सचमुच मैंने दिल की गहराई से फीलिंग किया था तब ये गाना लिखा था। तो आइए ये फीलिंग हम भी करते हैं और हमारे दर्शकों को भी करवाते हैं। ट्रैक प्लीज। सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे, प्यार की बरसात है बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ।
साथ है। कोटों में कोई प्यारे बाबा आकर हमें चुना है, कोटों में कोई प्यारे बाबा आकर हमें चुना है, अपना बना के भाग जगाया हमारे सो गुना है। इन नैनों में छाए हो बाबा, इन नैनों में छाए हो बाबा, आप तो दिन रात है बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। ध्यान रखते सदा हमारा दिव्य गुणों से सजाते, ध्यान रखते सदा हमारा दिव्य गुणों से सजाते, बना के काबिल अपने जैसा ऊंचा हमें उठाते, पास सदा हो बाबा अपने, पास सदा हो बाबा अपने, डरने की क्या बात है बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे, हो जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे, इस दुनिया में मिले हो बाबा जग के तुम्ही सहारे, मिल रही है बाबा से हमको, मिल रही है बाबा से हमको, स्वर्ग की सौगात है बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है बाबा मेरे साथ है, सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे, प्यार की बरसात है बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। वाह जी वाह, क्या बात है, मतलब दाद देनी पड़ेगी इस गाने के लिए, बाबा मेरे साथ है।
तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आप इस साथ का अनुभव लगभग 31 सालों से कर रहे हैं, और इस गाने को सुनने के बाद शायद हमारे दर्शक भी इस साथ का अनुभव करें। बिल्कुल आपके साथ कराने वाले अनुभव से ये यज्ञ एक महायज्ञ के रूप में भली भांति प्रफुल्लित हो रहा है, पूरे विश्व भर में विख्यात हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक छोटे से योगदान के लिए। छोटे से योगदान हम कहेंगे, जैसे एक बीज से ही झाड़ बनता है। तो संसार परिवर्तन के लिए, आज संसार परिवर्तन करने के लिए स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिनके तन में शिव बाबा आए, निराकार ज्योति बिंदु, और उन्होंने कदम बढ़ाया। आज लाखों जन उस कारवां के पीछे चल पड़े। तो उनका भविष्यवाणी ये था, आने वाले समय पर, आज से 80 साल पहले, परमात्मा ये कहे हुए थे आने वाले समय पर ऐसे ऐसे बच्चे आएंगे गाना लिखने के लिए। तो मैं अपना छोटा सा अनुभव सुनाना चाहूंगा दर्शकों को कि जी कभी भी मैंने संकल्प में भी सोचा नहीं था कि मैं गाना लिखूंगा। मुझे नृत्य में बहुत शौक था और मैंने किया भी 3 साल लगातार मधुबन में। लेकिन जब मैंने मेडिटेशन करता था, बाबा से बात करता था, परमात्मा से बात करता था हृदय की बात, तो मुझे एक आवाज आई कि तुम गाना लिखो। मैंने कहा ये क्या सुनाई दे रहा है। फिर दोबारा फिर से आवाज आई, गाना लिखो। मतलब भगवान कह रहे हैं मुझे लिखने के लिए। और उसी दिन से लिखा, आज तक वो करवा चल पड़ी है। मतलब आपने जो कहा ना, ये बूंद के सही हो, तो एक एक जो इस संसार में मनुष्य है, परमात्मा का बच्चा, बहुत महान है। वो अगर अपनी काबिलियत को, अपनी खूबी को उस परमात्मा के निर्देश से सुन सकते हैं, तो समझ लीजिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं ना, गोवर्धन की पर्वत उठ जाता है श्री जब कृष्ण ने अपनी कनिका उंगली उनके से। साथ भी मददगार थे। तो हाँ ब्रह्मा बाबा के साथ जब हम छोटे छोटे कण कण मददगार बन जाते हैं ऐसे, तो संसार स्वर्ग बन जाएगा। तो इसी हिसाब से हमारी जो कलाएं हैं, ये हर एक को परमात्मा का एहसास कराने वाला है। जैसा कि सुनने में आया था कि आप 25 वर्षों से ये गाने लिख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टेज शो किए हैं। करीब दो बहुत हज़ार से भी जी बिल्कुल ज़्यादा आपने स्टेज शो किया है इंडिया में, इंटरनेशनली, जी बिल्कुल। आशियान, वर्ल्ड वाइड। मतलब तो वहाँ का अनुभव कैसा रहा? हम कहीं भी जाते हैं, समझ लो ये बाबा के गाने जो जब गाते हैं, हर व्यक्ति चाहे ज्ञान में चलता हो नहीं चलता हो, झूमने लगता है। एक शब्द जब हम दिल, क्योंकि उसको हमने दिल से महसूस किया है। और जिस तरीके से हम हिंदी गाते हैं, भले वो समझने वाले दूसरे लैंग्वेज के होते हैं, लेकिन वो झूम जाते हैं, क्योंकि सभी के अंदर ही खुशी देने के लिए परमात्मा हमें इंस्ट्रूमेंट बनाया। ये हमें बहुत ही सौभाग्य और बहुत खुशी होती है कि मुझे वो लाइक समझा। तो जो फील होता है, वो जो सामने वाले जो श्रोता हैं सुनते हैं, वो अच्छी वो चीज उनको अट्रैक्ट कर लेती है। बिल्कुल तो ऐसा ही कुछ आप एक और गाना हमें सुनाएं जो हमारे दर्शकों को भी अट्रैक्ट करे और हमें भी थोड़ा अच्छा लगे। मैं बताना चाहूंगा, ये एक लाइन था इस गाने में, आपने सुना होगा कि बना के काबिल अपने जैसा, मतलब वो अपनी काबिलियत हमें हमारी अंदर भरता है। तो उस काबिलियत की खूबी, तो मैं सोचता हूँ जब भी मेडिटेशन करता हूँ, आत्माएं असंसार में, हर एक आत्मा दुखी है, तो उनको सुख शांति देने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ योग में बैठ के ये आत्माएं क्या सोचती होगी। तो ऐसे एक दिन योग में बैठा था तो मुझे महसूस हुआ, क्योंकि परमात्मा का यही उद्देश्य है, उनका यही लक्ष्य है कि हर आत्मा जो बंधन में बंधी हुई है उससे मुक्त किया जाए, आत्मपंची को मुक्त किया जाए। तो उसी भाव को लेके गाना मैंने लिखा, तुम मुक्त गगन के पंछी हो, अब उड़ते ही जाना है, फंसना नहीं किसी डाल पर, अब सबको उड़ाना है। ये 2003 में लिखा था अच्छा और 2005 में रिलीज हुआ, और सभी को ये गाना पसंद आया था। और वही गाना सुनाऊंगा जिसका म्यूजिक दिया है हमारे सुधीर पाल जी ने। अरे वाह, तो चलिए आप ये गाना हमारे दर्शकों को सुनाएं, वो भी झूमे और हम भी सुर में झूमे। बिल्कुल ट्रैक प्लीज।
हंसना नहीं किस डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो, अब उड़ते ही जाना है। हंसना नहीं किस डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो। तेरे करीब है, राही तुझको थकना नहीं। कितने आए आंधी तूफा, पल भर तुमको रुकना नहीं। मंजिल तेरे करीब है, राही तुझको थकना नहीं। कितने आए आंधी तूफा, पल भर तुमको रुकना नहीं। साथ तुम्हारे परम शक्ति है, साथ तुम्हारे परम शक्ति है। माया को तुम्हें हराना है। हंसना नहीं किस डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो। सोमान सत्कार से सुखमय ये संसार होगा, मिलके रहो बड़े प्यार से। लेना देना दुआएं सबको सोमान सत्कार से, सुखमय ये संसार होगा, मिलके रहो बड़े प्यार से। देवी कुल की शान हो, देवी कुल की शान हो। तुम्हें गिरे हुए को उठाना है। हंसना नहीं किस डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो, गगन के पंछी हो। अब उड़ते ही जाना है। हंसना नहीं किस डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो, अब उड़ते ही जाना है। हंसना नहीं किस डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो। तुम मुक्त गगन के पंछी हो, तुम्हें सबको उड़ाना है, सत्य का संग करना है और अपने साथ औरों को भी कराना है। बिल्कुल क्यों भाई जी? जी जी बिल्कुल। तो इसी बात तो मुझे एक संस्कृत का श्लोक याद आ गया जो श्रीमद् भागवत में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ कहा जाता है। श्लोक ऐसा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरही तुलायक अंग, तूलन ताही सकल मिले जो सुख मिले सत्संग। बहुत अच्छा। इस जो श्लोक है इसका अर्थ है कि मतलब एक तरफ स्वर्ग का सुख है और एक तरफ आपके सत्य का सुख है, आपकी भक्ति का सुख है, आपके जो भगवान के साथ जो आपके जो मेल का सुख है, अगर दोनों को एक साथ तोला जाए, एक अंग में रखा जाए, तो भगवान के संग और सत्य का जो सुख है उसका पलड़ा हमेशा भारी हो जाता है जी।
और स्वर्ग के सुख का हल्का हो जाता है जी। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन भी है जी। कि जो कुछ भी हमें भगवान को याद करना है वो हमें अभी ही करना है, क्योंकि जब हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे तो वहां इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वहां पे ये जो फील है वो मिल ही नहीं पाएगी। इसीलिए हम अभी जो आज का दिन है, जो हमारे आने वाला कल है, जो बीत गया, उनमें भगवान का स्मरण करें, सत्य का स्मरण करें और सुखद अनुभव पाएं, खुद भी करें औरों को भी कराएं। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि इस शब्द में उड़ने की उमंग की बात है, तो इसी प्रकार हमेशा ये मैं कहता हूँ कि परमात्मा को, ये परमात्मा ही कहते हैं, और मैं भी जब भी किसी को सुनाता हूँ कुछ, ज़्यादा करके मेरे गाने में आप देखेंगे कि तेरे संग का अनुभव, साथी का अनुभव, बहुत सारी बातें। तो फिलहाल अभी कुछ दिनों पहले काफ़ी गाने बनाए, तो उसमें एक गाना है कि बस इतना दिल का कहना है, संग तेरे रहना है। तीन शब्दों को जब मैंने लिखता गया, अनुभव करता गया, और फिर मैंने म्यूजिक डायरेक्टर के पास भेजा, तो उन्होंने धुन में जाया, मुझे बहुत पसंद आया। एक लिंक जुड़ता है परमात्मा से, सचमुच वो प्यार का एहसास होता है, क्योंकि हमें पंछी बनके जब उड़ना है, सबका आशियां ठिकाना तो वही है, परमधाम में सबको जाना है, उस निराकार धाम जिसको कहते हैं मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, क्योंकि नई दुनिया में जाने के लिए, सत्युग दुनिया इसी सृष्टि में आने के लिए, सबसे पहले उस दुनिया में जाना पड़ेगा जहां निराकारी पवित्र दुनिया है। तो वहां जाने से पहले हमारी बुद्धि योग संपूर्ण पवित्र दिव्य निर्मल हो जाना चाहिए, और उसका उसके लिए चाहिए सत्संग, जो बार बार कह रहे हैं ना, संग सत्संग करना है। तो इन्हीं भाव को लेते हुए अगले गाना मैं सुनाना चाहूंगा, बस इतना है दिल का कहना। तो आइए आपके दिल के कहने को, आपके दिल की बात को हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं, और शायद कुछ हमारे दर्शक भी होंगे जैसे मैं, जिनकी दिल की बात आपके गानों से प्रत्यक्ष होती है। तो आइए इस गाने को सुनते हैं, ट्रैक प्लीज। बस इतना है दिल का कहना, 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 संग तेरे सदा अब हमको रहना, संग तेरे सदा अब हमको रहना, तुमसे बेहद बाबा दिल का प्यार है, दिल का प्यार है। बस इतना है दिल का कहना, बस इतना है दिल का कहना, तुमसे ही है सच्ची आशिकी, तुम जो मिले मिली जिंदगी,
सच्ची आशिकी। जब से तुमसे हुए हैं रूबरू, जागी है जीने की सच्ची आरज़ू। बिन तेरे एक पल भी तो, बिन तेरे एक पल भी तो मुझे ना रहना, मुझे ना रहना। बस इतना है दिल का कहना, बस इतना है दिल का कहना। धड़कन में हो तेरी यादें, लबों पे हो तेरी बातें। धड़कन में हो तेरी यादें, लबों पे हो तेरी बातें। सांसे हर पल हो मुलाकातें, तुम सा हसीन कोई नहीं, तुम सा हसीन कोई नहीं। कहते नैना, कहते नैना। बस इतना है दिल का कहना, बस इतना है दिल का कहना। संग तेरे सदा अब हमको रहना, संग तेरे सदा अब हमको रहना। तुमसे बेहद बाबा दिल का प्यार है, तुमसे बेहद बाबा दिल का प्यार है, तुमसे बेहद बाबा दिल का प्यार है। बस इतना है कहना है खुदा, संग तेरे रहना। मेरे परमात्मा, मेरे आराध्य, आप हर वक्त मेरे साथ रहें, मेरे साथ खाएं, मेरे साथ रहें और हर कदम मेरे साथ चलें, मेरी गलतियों को सुधारते रहें और सही करने की सलाह देते रहें। क्योंकि सच्चा साथी वही है, क्योंकि अंत में भी और अंत से पहले भी, वो कहते हैं जिंदगी से पहले भी जिंदगी के बाद भी साथ देने वाला वो खुदा है। इसीलिए हमेशा जिस तरीके से आपने शब्द यूज किया भाई, खाना खाते चलते फिरते उठते बैठते हमेशा उसको अगर हम साथी बनाते हैं तो जीवन में जरूर सफल होंगे। वो एक बार एक मुक्ति धाम के बाहर ये लिखा हुआ था कि मंजिल तो तेरी यही थी पर तूने बड़ी देर लगा दी यहाँ आते आते। तो यही कहना है कि अगर मंजिल हमारी खुदा ही है पर उसको सोचने में, उस तक पहुंचने में हम जितना देर करेंगे उतनी ज्यादा तकलीफ हमें होगी। जैसे होता है ना कि एक 70 की एज, 80 की एज, 90 की एज के बाद अगर कोई मुक्ति धाम जाता है तो उसके शरीर में उतनी ज्यादा तकलीफें हो जाती है। जो आदमी अच्छा खासा अपना कार्यकल पूरा करके 40, 50, 60, 70 की उम्र में चले जाए तो वो सही रहता है।
ऐसे ही भगवान से मिलन की बात है। अगर आप एक वक्त पे भगवान को याद कर लें, एक वक्त पे उसका स्मरण कर लें, एक वक्त पे उसको अपने साथ रहने के लिए उसको मजबूर करें कि भगवान आप मेरे साथ ही रहो। वो कहते हैं ना, अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब हाँ, अभी से ही शुरुआत करें, अभी से ही शुरुआत करें। और ये जो मेरी उम्र है ये बहुत सटीक उम्र है भगवान को याद करने की, भगवान साथ रखने की। क्योंकि श्रीमद् भागवत के एक पृष्ठ में ये लिखा गया था कि जो बालेपन में की गई भगवान की जो भक्ति है उसका जो फल है वो अमृत के समान होता है। जवानी में जो मेरी उम्र है इस वक्त में की गई भक्ति का फल वो दूध और मक्खन के समान होता है, और जो बुढ़ापे में की गई भक्ति है वो सिर्फ पानी के समान होता है। बिल्कुल। तो बालक अगर 10 मिनट भी प्यार से भगवान के सामने हाथ जोड़ ले, 10 मिनट भी उनका स्मरण कर ले, तो उतना ही महत्वपूर्ण, उतना ही महत्व रखता है जितना कि एक वृद्ध, एक 50 साल के बाद भगवान को याद करने वाला आदमी 10 घंटा करे। तो यही चीज है जो यज्ञ में आपके गाने के जरिए लोगों को भगवान से मेल कराने में सहायक होती हैं, और सत्य का माहौल बनाने में सहायक होती हैं, और यज्ञ को आगे देश विदेश में और पहुंचाने में सहायक होती हैं। हमारा लक्ष्य यही है जो परमात्मा ने कहा है कि उनको याद करने की तरीका, विधि, हम अपनी विशेषताओं से, चाहे बोल से हो, दृष्टि से हो, कर्मों से हो, आपकी कलाओं से हो, तो ये व्यक्त करने के लिए हम सब लगे हुए हैं ईश्वरीय सेवा में। तो हमारी यही प्रयास सदा रहेगा कि परमात्मा को निरंतर याद करें। आप यहाँ आए हमारे इस शो में, हमें बहुत गर्व हुआ कि इतने बड़े सिंगर के साथ बैठकर उनकी एंकरिंग करना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और आपके संगीत से आपने पूरे स्टूडियो का माहौल एकदम, एक मिनट में कहना चाहूंगा कि हम जब ये कहते हैं अब बड़े हो, बहुत अच्छा, ये रिगार्ड शब्द है। आज तक भक्ति मार्ग में ये हुआ, देवी देवताओं के सामने हम गए, आप पत्थर की मूर्ति के सामने हमने कहा कि तुम बहुत ऊंचे हो, मैं कपटी हूं, पापी हूं, इसके कारण क्या हुआ कि हमारी स्थिति और जो शक्ति डाउन हो गई। परमात्मा यही कहते हैं कि हर एक को महान समझो। इसलिए मेरे कहने की ये उद्देश्य है कि इस दुनिया में परमात्मा का हर एक बच्चा महान है, बड़ा है, बस हम अपनी कलाओं को यूज करें। जिस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप भी कोई कम नहीं है, मतलब परमात्मा के बच्चे। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूं हम सभी मिलके और गोवर्धन के पर्वत को उठाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे हमारे दर्शकों के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपके साथ मुझे भी एंकरिंग करने का मौका मिला। आपने हमारे इस पूरे स्टूडियो का माहौल रोमांचक कर दिया और सत्य सा माहौल कर दिया, हमारे दर्शकों को भी मनमुग्ध कराया, प्रसन्नता दी। आप हमारे स्टूडियो में आते रहें और हमें और हमारे दर्शकों को सत्य का स्मरण कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का एपिसोड जो हमने बी के रमेश भाई जी के साथ कुछ पल बिताए, और हम अपने सुर संध्या कार्यक्रम में हर सप्ताह नए नए गायक, गायिकाओं और संगीतकारों को लाते रहते हैं, उनके सुर आप तक पहुंचाते रहते हैं और आपका मनोरंजन करते रहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, नमस्कार।